नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित पाठक। आप हैं आउटसाइड द लॉ स्क्रीन। आपका स्वागत करता हूं आज के मार्केट एनालिसिस में। लेकिन उससे पहले कल क्या कहा था जरा उसको सुनिए। 18,600 बहुत इंपॉर्टेंट आपका बाइंग लेवल है, बोथ फ्रॉम टेक्निकल एज वेल एज ऑप्शन। वहां से लॉन्ग करोगे आपका पहला टारगेट 18,700, दूसरा टारगेट 18,800 के। ये दो टारगेट बनेंगे। बैंक निफ्टी को निफ्टी खींच रहा है। बैंक निफ्टी में उतनी तेजी नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा जब गिरावट की बात आएगी तो बैंक निफ्टी निफ्टी से कम गिरेगा। तो देखा दोस्तों, जैसा डाटा ने बताया जो होना चाहिए बिल्कुल मार्केट में वैसा ही हुआ। लेकिन जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, हर दिन नया है, नई अपॉर्चुनिटी आती है, नए डेटा डेवलप होते हैं। तो आज स्टॉक मार्केट क्या संकेत दे रहा है, क्या डेटा डेवलप कर रहा है, आइए उसकी चर्चा करते हैं। बुल्स और बेयर के इस घमासान में हमें क्या करना चाहिए, इसको देखते हैं। सबसे पहले हम कहाँ चलेंगे, टेक्निकल एनालिसिस में। यहाँ पे आपके निफ्टी का चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम पे खुला हुआ है। सबसे पहले कैंडल पे नजर डालो, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक बेहतरीन कैंडल का फॉर्मेशन है। कौन सी कैंडल है ये, आप कह सकते हो एक ड्रैगन फ्लाई डोजी है। बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, रेड कलर है, लेकिन बॉडी बहुत ही छोटी है। ये कैंडल काफ़ी अच्छी है, बेहतर मानी जाएगी। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे ये कैंडल कैसे बनी है तो आप समझ जाओगे हाँ, ये बुलिश एक्शन को हल्का सा दर्शा रही है, नो डाउट। उसके अलावा आज वॉल्यूम भी अच्छे थे, डिसेंट वॉल्यूम के साथ ये कैंडल बनी है, अच्छी बात है। ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, इंटैक्ट है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। अगर मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ तो आप देखोगे कि यार आज क्या वॉलेटाइल एक्शन हुआ। बिल्कुल जैसा हमने बोला था कि अगर पहली कैंडल ऊपर नहीं टिकती है नीचे गिरता है, जैसा आजकल हो ही रहा है कि पहली 15 मिनट की कैंडल आपको पूरे दिन का होने वाले एक्शन का अनुमान दे देती है। बिल्कुल उसी तरह से हमने अपनी स्ट्रेटजी बनाई थी। वहां से आप देख सकते हो पहले ही फर्स्ट हाफ में मार्केट को जितना गिरना था उतना गिर गया, लेकिन बिल्कुल सपोर्ट लेवल, पहला ही सपोर्ट लेवल 18,600 से उसने रिवर्सल दे दिया। और आप देख सकते हो कि सेकेंड हाफ में हमें अच्छी रिकवरी देखने को मिली। ये मार्केट के लिए अच्छा है, ये हमें देखने को मिला, एकदम बेहतर क्लोजिंग देखने को मिली। एक्चुअली ये बहुत बेहतर क्लोजिंग भी नहीं है, क्योंकि 18,700 को पूरी तरह से हम क्लेम नहीं कर पाए। यानी बुल्स और बेयर की घमासान लड़ाई कहाँ पे हो रही थी, लास्ट टाइम भी बताया था, कोई पूछे तो आंखों में आंखें डाल के बोलना 18,700 पे घमासान लड़ाई चल रही है, बुल्स और बेयर की तगड़ी लड़ाई है। लेकिन आज भी उसका कोई नतीजा नहीं निकला, यानी ये लड़ाई अभी भी कंटिन्यूस चलती रहेगी। देखोगे आप दिन के दौरान इसने 18,700 को ऊपर साइड तोड़ने का प्रयास किया दिन के लास्ट में, लेकिन टिक नहीं पाया और वहां से शॉर्टिंग हुई है। ऑप्शन चेन देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि बेयर्स इस बार हार मानने को तैयार नहीं है। लेकिन उस डेटा पे चलने से पहले थोड़ा सा बैंक निफ्टी भी देख लें, आपका फेवरेट। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो जैसा मैंने आपको लास्ट टाइम एक ही चीज बोला था कि आपको देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रहा है। अगर ये बढ़ने में अंडर परफॉर्मेंस करेगा तो गिरने में भी करेगा, और बैंक निफ्टी में आज ज़्यादा मजबूती देखने को मिली है। और इनफैक्ट बैंक निफ्टी वो इंडेक्स था जिसने निफ्टी को खींच दिया। यहाँ पे देखोगे बैंक निफ्टी पे तो बिल्कुल सिमिलर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, थोड़ी इसकी बॉडी बड़ी है तो मैं इसको एज अ हैमर कैंडल कहूँगा। और बिल्कुल जो इसकी विक की फॉर्मेशन है वो आप देखोगे, सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट 43,000 फॉर्म हुई है। तो बैंक निफ्टी एक्चुअली ज्यादा मजबूती दिखाया है बैंक निफ्टी ने आज के सत्र में, और डेफिनेटली इसमें भी अभी भी अप ट्रेंड कंटिन्यूअसली चल रहा है बैंक निफ्टी में। एक और अगर आप 15 मिनट में देखोगे तो बिल्कुल सिमिलर एक्शन हुआ है, पहले हाफ में गिरावट देखने को मिली है और उसके बाद आपको रिकवरी देखने को मिली है। इसमें थोड़ी रिकवरी ज्यादा ऑफकोर्स आएगी, बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज्यादा वॉलेटाइल है। यहाँ से अब हम सीधे बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी बनाते हैं, ऑप्शन में आपके लिए लेवल्स निकालते हैं और वहाँ से फिर हम निफ्टी के लेवल्स निकालेंगे। सबसे पहले बैंक निफ्टी। जब बैंक निफ्टी के स्तरों की बात करोगे, हमेशा की तरह सारे स्तर मैंने अपनी हॉगवर्ड्स की डायरी में लिख ली हैं, ट्रेडिंग करने में आसानी होती है। बैंक निफ्टी की चर्चा करोगे तो बैंक निफ्टी में आज पूरे एक्शन को अगर एक लाइन में बताऊं तो आज
पुट राइटिंग यानी बुल्स ने कब्जा कर लिया। दिन के लास्ट में अगर बैंक निफ्टी में पूछोगे कौन जीता, हाँ तो इसमें मैं बोल सकता हूँ कि बुल्स ने बेयर को ज़्यादा हरा दिया है। ये बैंक निफ्टी से निकल के आ रहा है। 43,000 का स्तर जो पहले भी सपोर्ट था, अब और बाहुबली सपोर्ट हो चुका है। 42 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट में बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन एक और अच्छी चीज़ है, आपका एक और सपोर्ट डेवलप होके आ रहा है। लास्ट टाइम ये बात की थी कि एक रेजिस्टेंस है 43,200 पे, जो हमने अपना फर्स्ट टारगेट दिया था। अब आपका फर्स्ट टारगेट, क्योंकि बैंक निफ्टी ने डेफिनेटली अचीव कर लिया, उसके ऊपर टिक चुका है, अब यह आपके लिए सपोर्ट जैसे काम करेगा। 28 लाख कॉन्ट्रैक्ट है और मंदी के भी 23 लाख कॉन्ट्रैक्ट है। इसका मतलब है कि शॉर्ट कवरिंग करने वाले भी आएंगे। अब 43,200 आपका माइनर सपोर्ट हो गया और 43,000 मेजर सपोर्ट हो गया, दो सपोर्ट मिल गए। बहुत अच्छी बात है बैंक निफ्टी के लिए। हमारे जो टारगेट बनेंगे बैंक निफ्टी में, लॉन्ग करना है बैंक निफ्टी में, पहला टारगेट अब जो बनेगा वो है 43,500 का। आप देख रहे हो इसको हम अचीव नहीं कर पा रहे, जब अचीव कर पा रहे हैं तो टिक नहीं पा रहे हैं। इसको टिकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें हमें मुसीबत आ रही है और मुसीबत आएगी भी, इतना आसान नहीं होगा 43,500 को ब्रेक करना। मेरा मन तो बस यही एक टारगेट देने का है, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें पसीने छूट जाएंगे इसको हमें पाने में। 28 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी रेजिस्टेंस ऐसे काफ़ी काम कर रहा है। उसके ऊपर तो 43,700 और 44,000, जिसकी हम बात नहीं करेंगे। निफ्टी में स्ट्रेटजी बना देते हैं सीधे। हमने टेक्निकल पूरी तरह पढ़ लिया, ऑप्शन चेन से कौन से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहे हैं। देखो निफ्टी ट्रिकी है। निफ्टी में अगर मैं एक लाइन में बोलूँ आज क्या हुआ है, तो आज बैलेंस्ड एक्शन था। ना बुल्स जीते ना बेयर्स जीते, बिल्कुल बैलेंस एक्शन देखने को मिला निफ्टी में। लेकिन एक और अच्छी चीज़ है, क्योंकि हमने जो पहले सपोर्ट लेवल दिए थे वो रिस्पेक्ट हो गए, यानी एक बार हमारे लेवल टेस्ट हो चुके हैं, अब वो मजबूत सपोर्ट जैसे काम करेगा। आपका पहला ही सपोर्ट फिर से 18,600 है। इनफैक्ट मैं आपको निफ्टी में बताऊं तो आपकी 100 पॉइंट की बाइंग रेंज है 18,600 से 18,500 के बीच में, दोनों में ही 50 लाख कॉन्ट्रैक्ट के आसपास है। अब आपसे कोई पूछे लड़ाई कहाँ चल रही है, बिल्कुल सेम आंसर देना, टेप रिकॉर्डर जैसे रिपीट कर देना, आंखों में आंखें डाल के बोल देना 18,700 पे चल रही है, बिल्कुल घमासान लड़ाई चल रही है, कोई भी नहीं जीता, ना बुल्स जीते हैं ना बेयर जीते हैं। बुल्स के साइड 60 लाख कॉन्ट्रैक्ट हैं, लेकिन बेयर्स के साइड 81 लाख कॉन्ट्रैक्ट हैं। और आप देखोगे जब इसने तोड़ने का कोशिश किया तो वहां से दिन के लास्ट में नीचे आ गए, क्लोजिंग हमारी बिल्कुल 18,700 के पास हुई है। यानी मैं कहूँगा बेयर्स का थोड़ा सा हैवी है। हैवी है तो एक और बात जो लास्ट टाइम कही थी, अगर पहली 15 मिनट की कैंडल आपकी 18,700 के ऊपर टिकती है, प्रिसाइसली बता दूं 18,720 का स्तर है, पहली 15 मिनट की कैंडल इस लेवल के ऊपर टिकनी चाहिए, आपको यहां से 60 पॉइंट मूव और मिल जाएगा और पहला आपका टारगेट जो होगा वो 18,780 का होगा। क्यों बता रहा हूं, क्योंकि 18,800 पे भी आसान नहीं है, वहां पे भी भालू बेयर्स बिल्कुल कब्जा जमाए हुए हैं, उसको भी निकालना मुश्किल हो जाएगा। वहां पे 88 लाख कॉन्ट्रैक्ट है और 19,000 की बात नहीं करूंगा जब तक ये दोनों लेवल हमें अचीव नहीं हो जाते। तो निफ्टी की स्ट्रेटेजी समझ गए ना, पहली 15 मिनट की कैंडल इंट्राडे में आपको 60 पॉइंट का मूव देगी, वहां से लॉन्ग करना है। लेकिन ज्यादा जो प्रोबेबिलिटी है, अगेन आपको 18,600 से 18,500 की जो बाइंग रेंज है वहां से लॉन्ग करना है। अगेन दोनों ही स्ट्रेटेजी लॉन्ग करने की है, लेकिन धीरे धीरे बेयर्स थोड़े मजबूत हो रहे हैं। आज विक्स भी बढ़ के आया, वॉलेटिलिटी 2.6% बढ़ के आई है, और बहुत बड़े मूव क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि अब यूएस मार्केट में एक बहुत बड़ा इवेंट है अगले हफ्ते, इस हफ्ते नहीं अगले हफ्ते, फेडरल रिजर्व की फिर से इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की मीटिंग है। और उससे पहले जानते हो मार्केट एक कंफ्यूजन और नर्वसनेस के स्टेट में चला जाता है, तो ना बहुत बड़ी तेजी नहीं हो पाएगी जब तक हमें ये क्लैरिटी नहीं मिल जाती। और क्योंकि ये मीटिंग आने वाली है तो बॉन्ड यील्ड भी बढ़ रही है, जो इक्विटी को बहुत ज़्यादा दौड़ने नहीं देंगी। तो अब हमें अपने लेवल से काम करना है और हमें अपने टारगेट बिल्कुल सही जगह पे लगाने हैं, प्रॉफिट बुकिंग भी अब
करते हुए चलना है। उम्मीद करता हूँ ये ओवरऑल एनालिसिस, सारे लेवल्स, हर चीज़ आपको क्लियरली समझ में आ गया हो। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। इस टाइप के एनालिसिस आप चाहते हैं तो इसको लाइक करें, चैनल को सपोर्ट करें, आपके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और अपनी सेहत का भी ध्यान रखें, सर्दी आ रही है, जुकाम बुखार मुझे भी हो रहा है, आपको भी हो सकता है, घर परिवार में किसी को हो सकता है, सेहत का ज़रूर ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।